नहीं है। ये जो इंडस्ट्री है, ये जो बिजनेस है, ये लोग जोड़ने का नहीं है, ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है। आपने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आप उस प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं, अगर आप उस प्रोडक्ट को शेयर करते हो तो उस शेयरिंग पे आपको कंपनी पैसा देती है। लोग जोड़ने से पैसा नहीं आता, प्रोडक्ट शेयर करने से पैसा आता है, प्रोडक्ट शेयर करने से। लेकिन लोगों ने इस बिजनेस में प्रोडक्ट को साइड कर दिया और लोगों को फर्स्ट कर दिया, प्रोडक्ट हटा दिया, बस लोग जोड़ो और लोग जोड़ के पैसा है। एक्चुअल में पैसा आता कैसे है ये हमें समझना पड़ेगा। मार्केट में जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, बाय और सेल, खरीदते हो या बेचते हो, तो कमीशन आता है, यस और नो? मंडी में आप जाते हो सब्जी लेने के लिए, तो वो मंडी वाला कहीं और से खरीदता है, आपको उस पर 5 रुपए का प्रॉफिट लेके बेच देता है। आप फल खरीदते हो, वो कई मंडी से खरीदता है, उस पर 10 रुपए किलो के हिसाब से प्रॉफिट रख के आपको बेच देता है। यानी प्रोडक्ट बिक रहा है, खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, तो बीच में कमीशन हो रहा है। प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, और जो बीच का मीडिएटर है वो कमीशन कमा रहा है। यही है, इसी को तो कमीशन टाइप बोलते हैं, और ये बिजनेस उसी टाइप का तो है। और ये काम कोई नया थोड़ी है, ये तो सदियों से चला रहा है। पहले आप किसी चीज के बदले कुछ लेते थे, कुछ देते थे। जैसे आपने देखा होगा आज से 20-30 साल पहले, किसी के पास अगर धान है, किसी के पास गेहूं है, बाजरा है, तो कोई देसी घी देता था, बाजरा लेता था, चीजों के बदले चीज मिलती थी, वस्तु के बदले वस्तु बिकती थी। लेकिन फिर करेंसी आई, मुद्रा आई, फिर सिक्के चलने स्टार्ट हुए, फिर पैसे से सब होने लग गया, उसके बाद फिर रुपए में कन्वर्ट हो गया, और आज की डेट में डिजिटल करेंसी है। आपकी जेब में कुछ है नहीं, इधर अकाउंट से उधर ट्रांसफर मारो, उधर से उधर मारो, कुछ दिख ही नहीं रहा, सब हवा में चल रहा है। आया ना? चीजें बदलती हैं, लेकिन काम वही हो रहा है। करेंसी चाहे कितनी ही बदल जाए,